नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपी अमित एजुकेशन में। जेवटी कमीशन 2019 का जो रिजल्ट है वो 28 मई 2022 को निकला था। अब इसकी जो 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन है वो चली हुई है, जो कि 15 जून से स्टार्ट है। बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको कन्फ्यूज़न है, जो कि बीएड से हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, चाहे वो कैंडिडेट बीएड के हों या फिर जेवीटी के हों। दोनों कैंडिडेट को जो है इसमें जो है कंप्लीट जानकारी मिलेगी और दोनों के लिए जो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन की बात करें तो 15 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर हम आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप डिटेल में देख पाएंगे कि कौन से मार्क्स जो हैं वो लगते हैं। स्टेप बाई जो आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सबसे पहले हम 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन की बात करें तो उसका जो है कॉल लेटर आपको घर पर आता है, तो एक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बाई एसएमएस और बाई ईमेल भी जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जारी हुई है, और साथ में जो कॉल लेटर है वो भी घर पर जारी हुए हैं। अगर किसी को कॉल लेटर नहीं मिला है तो कोई इशूश में नहीं है, आपको जो है वो सारी डिटेल वहाँ पर जाकर भी मिल जाती है। आगे हम जेवीटी और बीएड कैंडिडेट की बात करें तो दोनों के लिए जो क्राइटेरिया है वो सेम है। जो जेवीटी के कैंडिडेट हैं उनका जो डिप्लोमा है उसके मार्क्स काउंट होते हैं, साथ में उनका जो टैट है वो जो उसमें लिया जाता है, साथ में जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनकी जो डिग्री है बीएड की उसके मार्क्स जो है वो 0.025 के साथ मल्टीप्लाई करके वहाँ पर लगते हैं, साथ में जो उनका टैट है बीएड का वो वहाँ पर जो इंक्लूड किया जा रहा है। मीन्स उनको जो है जो जेवीटी का टैट है वो वहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है, जो उनका टैट है बीएड का वो जो वहाँ पर लग रहा है। इसके अलावा अगर उनके पास 2018 से पहले का अगर टैट है जेवीटी का तो वो जो है वहाँ पर लगा सकते हैं, अगर नहीं है बाद में उन्होंने टैट क्वालिफाई किया है जेवीटी का तो वो जो है वहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। तो मीन्स जो क्राइटेरिया है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, अगर जेवीटी के कैंडिडेट भी हैं उनका भी जो टैट है वो 2018 के पहले का क्वालिफाइड है, जैसे कमीशन होने से पहले का क्वालिफाइड है तो वो एलिजिबल हैं। अगर उन्होंने भी कमीशन पहले दिया है और टैट बाद में क्वालिफाई किया है तो वो भी जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो दोनों के लिए जो क्राइटेरिया वो सेम है, और जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको जो है जो उनकी बीएड की डिग्री है वो वहाँ पर काउंट की जा रही है, साथ में जो बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो सिमिलर वहाँ पर रहेंगे। डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन में जो 100 स्टूडेंट्स पर डे बुलाए जा रहे हैं उसमें सभी कैंडिडेट जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, जिसमें जेवीटी और बीएड दोनों हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन से संबंधित है। इसके अलावा आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।